हर अंत के बाद एक नया प्रारंभ होता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में मैं कोई प्लान प्रेजेंटेशन नहीं देने वाला हूं क्योंकि ये कम्प्लीटली एक ब्लॉग होने वाला है। तो ये जो ब्लॉग है वो आपका चार धाम यात्राओं में पहला धाम जो है जगन्नाथ पुरी का होने वाला है। तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा क्योंकि साल में जो है ये एक बार फेस्टिवल आता है और जिसको हम जगन्नाथ रथ यात्रा के नाम से जानते हैं। इस दिन जो है भगवान अपने मंदिर से निकलते हैं और सभी लोगों को दर्शन देते हैं और स्पेशल बात यह है कि उस दिन से 8 से 9 दिन जो है भगवान छुट्टी पे रहते हैं और अपने मंदिर से निकल कर 3 किलोमीटर दूर जो जा कर के अपनी मौसी के यहाँ रहते हैं और वहाँ पे भी दर्शन देते हैं और वहाँ से लोगों का उद्धार करते हैं। तो इस वीडियो में जो है मैं कम्प्लीटली ब्लॉग के बारे में बताऊँगा क्योंकि मैं जा रहा हूँ उड़ीसा और जगन्नाथ पुरी, वहाँ पर दर्शन करेंगे और स्पेशली रथ यात्रा में जा रहा हूँ और काफ़ी लोग बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इस रथ यात्रा में। बहुत सारी मान्यताएं हैं इसके साथ में, तो मैं भी इस समय का साक्षी बनना चाहता हूँ, मैं भी दर्शन करना चाहता हूँ प्रभु के, जगन्नाथ जी के। भगवान स्वयं अपने मंदिर से निकलते हैं और अपने साथ में अपने भैया बलभद्र जो कि बलराम जी के नाम से भी जाने जाते हैं उनके साथ में और बहन सुभद्रा के साथ में वो मंदिर से बाहर आते हैं और तीनों लोगों का अपना अपना रथ बनता है और तीनों लोग जो है अपने मौसी के घर जाते हैं जो कि 3 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं कम्प्लीटली ब्लॉग दिखाने वाला हूँ और अभी मैं हूँ प्रेजेंट टाइम में अपने घर पे और अभी जो है 5 बजे यहाँ से मैं निकलूँगा। लगभग जो है 36 से 40 घंटा लग जाने वाला है यहाँ से जाने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपडेट जो है आपको इस ब्लॉग का 2 से 3 पार्ट में आपको मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको अपडेट जो है मिल जाएगा। जैसे मैंने शुरुआती लाइन में बोला कि अंत ही एक नया प्रारंभ है। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ और पांडवों को उनका अधिकार मिला, तो जब श्री कृष्ण जी ने अपना देह त्यागा तो उसके बाद जो है जब पांडवों ने श्री कृष्ण जी के शरीर को जो हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो है जलाया तो सारा शरीर जल गया लेकिन जो है कि उनका हृदय जो है नहीं जला। तो पांडवों ने क्या किया कि उनके हृदय को जो है लकड़ी में बांध के समुद्र में प्रवाहित कर दिया। मध्य भारत के एक राजा हुआ करते थे जो कि नारायण के बहुत बड़े भक्त थे, तो उनके सपने में जो है भगवान ने दर्शन दिया और उनको बताया कि समुद्र के किनारे जो है लकड़ी मिलेगी, उस लकड़ी को लेकर आए, उसकी मूर्ति बनवाएं। और अगले दिन वो गए और उनको लकड़ी मिली तो वो तो लेकर आए लेकिन हर कोई जो है मूर्ति बनाने के लिए इनकार कर रहा था क्योंकि उनको नहीं पता था कि किस प्रकार की मूर्ति बनानी है। तो स्वयं विश्वकर्मा जी आए और राजा से मिले और उन्होंने कुछ शर्तें रखी कि भाई मूर्ति जो है मैं बनाऊंगा लेकिन मेरे कुछ कंडीशंस है, तो आपको जो है उस कंडीशन को अगर आप पालन करोगे तभी मैं जो है मूर्ति बनाने वाला हूँ। तो उन्होंने जो है उनकी बातों को माना तो स्वयं विश्वकर्मा जी ने उनसे जो है कंडीशन में बोला कि 21 दिन तक आपको जो है मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है किसी भी रूप से। तो ऐसा ही उन्होंने पालन किया है कि मूर्ति बनाने का काम विश्वकर्मा जी ने शुरू किया। शुरुआती फेज़ में तो आवाज़ आ रही थी लेकिन 10-15 दिन के बाद जो है अंदर कमरे से जो है बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो रानी उनको थोड़ा सा लगा कि जो विश्वकर्मा जी हैं यानी जो मूर्ति को बना रहे हैं उनकी डेथ हो गई है, ना खाना खाने का जो कॉन्टैक्ट है बाहर से बिल्कुल नहीं था। तो ऐसा उनको लगा तो उन्होंने चिंता करके राजा से जो है उनका कमरा खुलवाया। तो जिस भी रूप में जितना भी उस समय मूर्ति बना हुआ था उसी रूप में जो है आज तक जो है जगन्नाथ जी वहाँ पर प्रजेंट है। तो आपने कभी भी नोटिस किया होगा या आगे नोटिस करिएगा कि उनके जो दोनों हाथ हैं वो सामने की तरफ से, तो उसका मतलब ये है कि भगवान जगन्नाथ जो है हमेशा आपके आलिंगन करने के लिए तैयार रहते हैं, यानी कि आप जाएं तो वो आपसे गले मिलने के लिए तैयार रहते हैं। उनकी आंखें देखी होंगी आपने तो आंखों के ऊपर पलक नहीं है, लेकिन जैसे कि हम ये वीडियो के माध्यम से आप स्वयं भी देख रहे होंगे कि मेरी आंखें पलक जो झपक रही हैं और आपकी पलक भी झपक रही है, तो भगवान जो है कब उनके पास पलक ही नहीं है, यानी कि 1 मिनट के लिए आप भले ही भगवान को नहीं देख सकते लेकिन भगवान जो है पल देख रहे हैं। ठीक है, जो है भले ही 1 सेकंड के लिए भगवान को ना देख पाए लेकिन भगवान जो है हमेशा आपको देख रहे हैं। तो इसी के मोटिवेशन के साथ में इसके अलावा भी बहुत सारी कथाएं हैं, मान्यताएं हैं जिसको मैं इस वीडियो में तो नहीं बता सकता और हो सकता है मेरे से कुछ गलती भी हो जाए। तो
सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैं दर्शन करने जा रहा हूँ, और जब कभी भी समय मिलता है तो जाया करें दर्शन करने। ये जो है एक चार धाम यात्राओं में भी आता है, जिसमें एक जगन्नाथपुरी है, दूसरा जो है आपका रामेश्वरम है, तीसरा द्वारिकाधीश है, और चौथा जो है बद्रीनाथ केदारनाथ। ठीक, तो चार धाम यात्राओं में भी ये आने वाला है, तो पहले धाम की यात्रा जो है मैं शुरू करने वाला हूँ। तो इसी तरीके से सारे धाम को भी कंप्लीट कर लिया जाएगा धीरे धीरे करके, और आई होप आपको भी ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब जो है मेरा समय होने वाला है, मैं यहाँ से जो है निकलने वाला हूँ, और फिर उसके बाद अपना ट्रेन है, 40 घंटे का सफ़र है, और 7 तारीख को जो है रथ यात्रा है, तो हम जो है 7 तारीख से पहले पहले पहुँच जाने वाले हैं, और रथ यात्रा में ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे और भगवान के दर्शन करेंगे। अभी जहाँ जहाँ जाना होगा वहाँ पर जाएंगे, और सारी चीज़ें जो है इस ब्लॉग के माध्यम से आप सभी लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, बस यहाँ से निकलते हैं, और दूसरा ब्लॉग जो है इसके बाद जो है आपके पास आना शुरू हो जाएगा। तो देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भगवान के दर पे जा रहे हैं तो दर्शन करने जा रहे हैं, तो आपको भी मैं दर्शन कराने वाला हूँ। तो बोलो जगन्नाथ महाराज की जय। रथ यात्रा से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आपको अगले ब्लॉग में बताने वाला हूँ, क्योंकि वो जो है मुहूर्त के अकॉर्डिंग ही होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में, और जो बेसिक जानकारी है वो सारी के सारा मैं अगले वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ब्लॉग से रिलेटेड सारी अपडेट आपको मिल जाएगी।